बात आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आज होने वाले मैच की। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस में खेला जाना है, जिस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे से ये मैच खेला जाएगा बारबाडोस में। और खबर इससे जुड़ी बड़ी आपको ये बता देते हैं कि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, बारिश का साया है इस मैच पर। बारबाडोस में आज पूरे दिन बारिश होने की संभावना है। बारबाडोस में 70 से 78% तक बारिश का अनुमान है। मैच पूरा करने के लिए 190 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। नतीजा निकलने के लिए 10-10 ओवर का मैच होना जरूरी है। हालांकि फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है, कल 30 जून रिजर्व डे रखा गया है। फाइनल मुकाबले के लिए ICC ने रखा है रिजर्व डे, 30 जून को रिजर्व डे रखा गया है। रिजर्व डे के दिन भी बारिश का ही अनुमान है। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी बेहद उत्साहित हैं, नजरें टिकाकर बैठे हैं आज बारबाडोस में खेले जाने वाले इस मैच को लेकर, जब भारत 17 साल बाद अपने दूसरे T20 वर्ल्ड कप खिताब की तलाश में मैच में उतरेगा, मैदान में उतरेगा ये मैच जीतने के लिए। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन बारिश का खतरा मंडरा रहा है इस मैच पर। रिजर्व डे की अगर बात करें तो रिजर्व डे रखा गया है ICC की ओर से कल 30 जून, लेकिन कल की अगर बात करें तो कल भी बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है। मुकाबला दिलचस्प रहने की पूरी उम्मीद है, निगाहें सभी की इस मैच पर टिकी हुई हैं। आज रात 8 बजे से जो कि खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस में, कौन साबित होगा गेम चेंजर इस मैच में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को हराना मुश्किल काम है, उतना आसान नहीं है। इस पर मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ग्राउंड से भी मेरे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। मुंबई से नीतीश झा मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन मनोज जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, बारिश का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक झटका क्रिकेट प्रेमियों को लग जाए? रिजर्व डे हालांकि रखा गया है, लेकिन कल को लेकर भी प्रिडिक्शंस बारिश के ही हैं, ऐसे में क्या होगा? देखिए, गयाना में भी यही एक सवाल पूछा गया था सेमीफाइनल में, और वहां पर 89% बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। वहां रिजर्व डे भी नहीं था तब भी खेल हुआ, तो आप उम्मीद कीजिए खेल होगा और ज़रूर होगा। ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ का थोड़ा बेहतर है और यहाँ सुपर सोपर भी अमेरिका की तुलना में कहीं बेहतर हैं, तो यहाँ खेल को लेकर तो मुझे कोई आशंका नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर जोड़ूंगा कि जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना भारत की एक जीत का एक फलसफा बन गया था, यहाँ पर फिर हमें स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। टॉस जीतेंगे तो पहले आप फील्डिंग चुनिए, अगर बारिश की रिमझिम आई और अगर कहीं डकवर्थ लुइस की स्थिति पैदा होती है तो हमें टॉस जीतकर, क्योंकि लक्ष्य सामने होगा, उस हिसाब से हम अपनी रणनीति बना सकते हैं और विकेट उस स्थिति में कम से कम खोने होंगे। अगर आपने विकेट जल्दी से जल्दी खो दिए तो आपके लिए लक्ष्य बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण बात मनोज जी कह रहे हैं कि अगर टॉस भारतीय टीम जीत जाती है तो देखिए पहले फील्डिंग चुनना ज्यादा बेहतर रहेगा। लखनऊ से मेरे साथ अभिषेक भी हैं, अभिषेक के पास मैं जाती हूँ। अभिषेक, आपके पीछे कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस कौन से खिलाड़ी से आज सबसे ज्यादा लोगों की, एक्साइटेड कितना है आज मैच को लेकर, 17 साल बाद क्या ट्रॉफी आ रही है आज, क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, मेरे साथ ये क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं और हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आज शाम को जब मैच शुरू हो, क्योंकि स्लो पिच और कई सारी बातें हैं, इनसे पूछेंगे किससे सबसे ज्यादा, किससे सुशील जोशी। आज देखिए हमारा हिटमैन जो है फॉर्म में है, और जब हिटमैन फॉर्म में होता है तो आपको पता ही है कि हमारी टीम, हमारी इंडिया को जीतना ही जीतना है। आप देख रहे हैं पिछले 2 मैचेस में देखिए कितना तेज प्रहार, शुरुआत के 6 ओवर में रन रेट को इतना बढ़ा दिया कि जो है जो मध्यम क्रम के बैट्समैन है हमारे हैं और निचले क्रम के हैं उनको खेलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी इतना तेज प्रहार जब भी खेलते हो, रोहित शर्मा का रन रेट ही काफ़ी तेज रहता है कि जब भी आएंगे तो चौके छक्के से ही प्रहार करना है, सिंगल डबल पे बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल जो है। तो हमारे हिटमैन और आज जहाँ तक कि क्योंकि फाइनल है तो फाइनल का बड़ा खिलाड़ी हमारा विराट कोहली है, तो विराट कोहली से पूरी अपेक्षा है कि आज उनका फॉर्म में आ जाएं और उनका क्लास आना बहुत जरूरी है, तभी इंडिया जीतेगा और जीतना ही जीतना है आज। भारत माता की। साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल्स में आई है।
नहीं नहीं साउथ अफ्रीका पहली बार किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार पहुंची है, तो वो पूरी जोर लगा देगी फाइनल जीतने के लिए। फाइनल अच्छा होगा लेकिन क्योंकि उनके पास भी मध्यक्रम में अच्छे अच्छे बैट्समैन है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मध्यक्रम को उनके संभाला है। तो इंडिया की ओर से इंडिया भी पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप 2020 का जो पहला शुरू हुआ था इंडिया ने जीता था 2007 में, इसलिए ये भी 2011 के बाद से कोई आईसीसी का कोई टूर्नामेंट ये लोग जीत नहीं पाए। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप वैसे भी मोरल हाई है रोहित शर्मा के फॉर्म में आने से, इंडिया अच्छा स्कोर करेगी आज उसको कम से कम ये विकेट जो है पेस बॉलरों को बहुत मदद करेगा। इंडिया अगर 170-180 रन बना लेगी तो मतलब अच्छा वो होगा, साउथ अफ्रीका चेस करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से आज विराट कोहली को खेलना पड़ेगा क्योंकि विराट कोहली जो है बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो मतलब इस फाइनल के लिए तो ऑलरेडी अपने आप को तैयार रखा होगा। अगर आज वो चल गया तो फिर तो साउथ अफ्रीका इसके इंडिया के आसपास कहीं नहीं टिक पाएगी। क्यों, क्या लग रहा है कौन चलेगा आज, किसका चलना बहुत जरूरी है? आज विराट का चलना बहुत जरूरी है क्योंकि बड़ा प्लेयर है वो हमारा, क्योंकि बड़े मैचेस में ही वो हमेशा परफॉर्म किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो टीम है वो बहुत यूनिटी के साथ खेली है क्योंकि आप देख ही रहे होंगे विराट कोहली ने कई सारे मैचेस में रन नहीं बनाए हैं, फिर भी मध्यक्रम ने भी अच्छे रन बनाए हैं। और बॉलिंग यूनिट तो आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छा कर रही है, सारे स्पिनर अच्छा कर रहे हैं हमारे, बुमराह सिराज जो बुमराह और क्या नाम वो अर्शदीप दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है हमारे लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच होने वाला है, बारिश एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग पेयर इतना अच्छा कर रहा है, बस विराट कोहली थोड़ा हमारा जो है फॉर्म में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा मैच होगा। स्लो पिच पे स्पिनर ज्यादा अच्छा चलते हैं। जी, स्लो पिच पे स्पिनर जो आप काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे आप बापू को ले लीजिए, बापू बोले तो अक्षर पटेल, ठीक है, और उसके बाद कुलदीप यादव, दोनों ने बहुत अच्छा किया है, दोनों ने हमारे 3-3 विकेट ले रखे हैं, 2-2 विकेट ले रखे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप काफी अच्छी फील्डिंग जो है बापू द्वारा की जा रही है। तो काफी मतलब फील्डिंग बॉलिंग और बैटिंग तीनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे लोग। तो बिल्कुल, यानी कि ये लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से भारतीय टीम फॉर्म में है अभिषेक, और वो उत्साह भी हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर बातचीत जो आप कर रहे हैं क्रिकेट प्रेमियों से। आप बने रहिए, मैं मुंबई का रुख कर लेती हूँ। मुंबई से मेरे साथ नीतीश जुड़े हैं हमारे संवाददाता। नीतीश, और ठीक है, हमारे साथ सुशील दोषी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कमेंटेटर। सर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर, आऊंगी मैं आपके पास लेकिन पहले नीतीश के पास जल्दी से जाती हूँ। नीतीश, लोग क्या सोच रहे हैं आज के मैच को लेकर, एक्स फैक्टर क्या रह सकता है, गेम चेंजर कौन हो सकता है आज? जी बिल्कुल, देखिए ये आज फाइनल का मुकाबला है और हालांकि जो बीते कुछ फाइनल और सेमीफाइनल रहे उसके मुकाबले आज जो है इंडिया बेहतर तरीके से जो है प्रदर्शन करने पर ध्यान देगी। इस वक्त मैं मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले जो है बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए यहाँ पर जो है काफी कम लोग मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बावजूद यहाँ पर लोग खेल रहे हैं। एक अंकल यहाँ पर खड़े, काफी देर से अंकल मैं आपको देख रहा हूँ, आप मैच देख रहे हैं, ये मैच तो आप देख रहे हैं क्या? रात को जो मैच होगा फाइनल, उसके लिए क्या तैयारी है, कौन फेवरेट है? हेलो, पार्क का जो अभी मैं देख रहा हूँ जो बैकग्राउंड है, बारिश है, पानी जमा है। नहीं, आज आज जो फाइनल मैच होगा उस पर बताइए। वो पहले बोले आप, हाँ फाइनल मैच के बारे बोले तो फाइनल मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका में है। फाइनल बोले तो अपना रोहित शर्मा कभी खेलेगा, तूफान खेलेगा और वो जरूर खेलेगा फाइनल मैच। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला है पूरा टूर्नामेंट।